मैडम वो पहली लेडी थी जिन्होंने वॉलंटरी कहा था कि मेरी राजनपुर में जो है ट्रांसफर कर दी जाए। आई वॉज फ्लाइंग शूटर और मैं चलते जो बर्ड होते थे उनको शूट करके नीचे चीतरों को मारा हुआ है। जिन्हें ना दिनाल फोर्स आई है ना सानू किसी ने निकलन नहीं दिया। आए होते जाना मैंने सुन के मेल डोमिनेट सोसाइटी में हामद पे दबंग मुश्किल है, लेकिन ये कि वी हैव अ गुड कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम वी टू के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शिमशा अवान। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ खातून मौजूद हैं वो आई तो पंजाब पुलिस में स्पोर्ट बेस पे थी, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पंजाब पुलिस का नाम रोशन किया है। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस में जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स है, बहुत ज़्यादा दबंग लेडी हैं। आइए मैं आपको मिलवाती हूँ DSP M&I मैडम शहजादी गुलफाम से, और उनसे जानते हैं कि ये M&I क्या है और ये इतनी दबंग एक औरत कैसे हो सकती है। तो आइए मेरे साथ। आइए मैडम से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक ठाक। आप आए, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया और हमें मौका दिया कि हम इतनी दबंग लेडी से मिल सकते हैं। थैंक यू, बैठे। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये DSP M&I क्या है? मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन। अच्छा, DSP मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन। ओके ओके, तो आप मॉनिटर भी कर रही हो? मॉनिटरिंग बोथ थिंग्स। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि एक खातून इतनी दबंग कैसे हो सकती है? क्या खाती हैं आप, क्या पीती हैं, इतनी दबंग क्यों हैं आप? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच। ये दबंग जो बंदा बनता है कॉन्फिडेंस से बनता है। अच्छा, अगर आपका घर से माहौल अच्छा मिलता है आपको, आपके घर में वाले साहब भाई आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि मेरी बेटी ये बने, मोस्टली तो यही होता है। अच्छा। बाप को बड़ा शौक होता है कि मेरे साथ ये था कि मुझे पुलिस में आने का शौक था, बाप मेरे वाले साहब को भी था, लेकिन उनके वाले साहब ने आगे उनको परमिशन नहीं दी। अच्छा मैम, एक बात मैं आपकी काट रही हूँ, जब आप छोटी होंगी और आप इस फैमिली से बिलोंग करती हैं जो बड़ी कंजर्वेटिव हैं, तो बड़ी मुश्किल आई होगी पुलिस की फोर्स को ज्वाइन करने में या उसे फिर प्रोफेशनल को आगे लेकर चलने में? बिल्कुल भी नहीं आई। अच्छा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, इवन फैमिली में होती है ये, मैं नहीं कहती कि नहीं भाई कहने जी नहीं अभी शादी करनी है ये है। हाँ। लेकिन मेरा भी शौक था, मेरे वाले साहब का भी था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं आज व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ माय फादर। नाज़रीन, पहली लेडी है पाकिस्तान से जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है मैडम एक औरत के लिए कि पहली खातून है और तब उस ज़माने में आपने रिप्रेजेंट किया जबकि पाकिस्तान में एक औरत का इतना एक बड़ा उसे लो लेवल पर समझा जाता था और ये समझा जाता था कि उन्हें बाहर घर से नहीं निकलने दिया जाता, तो आपने तो पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया, तो वो वाली फीलिंग्स क्या थी? ऐसे हुआ कि मैं अडिशनाई साहब थे हमारे, उनको मैं मिलने गई, मैंने मेडल लिया। अच्छा, मेरे पास वो था कप था। अच्छा, तो मैं वादी साहब थे, सलीम वादी साहब, ही वाज DIG हेडक्वार्टर, तो मैं उनको दिखाने गई, तो मुझे कहते हैं कि शहजादी तू तो थोड़ा सा बोल भी लेती है तो तू क्यों नहीं जा रही मैं यूनाइटेड? मैंने कहा नहीं सर, वहाँ तो लेडीज़ नहीं जाती, जेंट्स ही जाते हैं। अच्छा, तो कहते नहीं वहाँ पे लेडीज़ का कोटा भी है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। मैंने घर आके बात की अपने अबू से अम्मी से, तो मुझे मतलब कि जाहिर है कोई भी नहीं चाहता कि उनकी औलाद बाहर जाए। फिर मैंने अपने अबू को बताया कि ये होगा, मैं जाऊँगी देखूँगी सारा, तो मैं बिल्कुल माइंड तैयार कर लिया कि भाई मैंने जाना है। और जब ये टेस्ट सेट टीम टेस्ट लेने के लिए पाकिस्तान आई तो वहाँ पे मोर देन 7,000 पुलिस ऑफिसर मेल। अच्छा। थे, और चूंकि मुझे वो कॉन्फिडेंस दे दिया, एक तो वाले साहब की तरफ से मिल गया, आगे से मुझे DIG साहब ने दे दिया, तो मैं अपने आप को और कंफर्टेबल समझ रही थी कि जी मैं इस काबिल हूँ कि जाऊँगी। इवन दो मेरे हाथ में वो पानी की बोतल रखी हुई थी, पी रही थी, कंफ्यूज थी, कहीं ड्राइविंग में प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं राइटिंग में ना हो जाए, बट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई केम ऑन मेरिट। तो मेरी सिलेक्शन जो सी है ना, इस तरीके से अल्लाह ताला का करम हुआ कि मेरी सिलेक्शन हो गई। मैडम, अच्छा, एक जब मैंने आपकी अचीवमेंट सुनी तो मैं अमेज्ड थी, लेकिन
एक तो ऐसी थी कि जब मैं शौक में आ गई कि मैडम वो पहली लेडी थी जिन्होंने वॉलंटरी कहा था कि मेरी राजनपुर में जो है ट्रांसफर कर दी जाए एज अ डीएसपी। मतलब वहाँ पे मेल जो है वो जाने से डरता है, अगर आपको पता हो कि वहाँ पे क्रिमिनलिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे रूल एंड लॉ का जो है वो पता नहीं है उन्हें और वहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। मतलब क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? नहीं देखें जी, जब आप तभी दबंग बनते हैं जब आप चैलेंजेस से खेलते हैं, ये ऐसे नाम नहीं हो जाता। तो वो मुझे आईजी साहब थे तो मुझे कहते हैं कि अगर मैं आपको राजनपुर भेज दूं तो हाउ यू विल फील। मैंने कहा सर मैंने दुनिया में जाके काम किया है तो ये तो मेरा मुल्क है, मुझे अच्छा लगेगा मैं कहीं भी जाऊँ। मैं वहाँ गई और मैंने काम करके दिखाया, मैं आई वॉज ऑन रोड, मैंने ड्राइवर्स को वहाँ पे लेक्चर दिया। वो उस वक्त इतना टफ, वो स्मोक का टाइम था। अच्छा। तो मैं सड़कों पे थी लोगों की अवेयरनेस के लिए, हम डिफरेंट अड्डों पे गए हैं, ड्राइवर हजरात आपको पता है कैसे होते हैं वो लोग, लेकिन ये कि आपने देखा है कि मैंने बताया है कि पुलिस यानी डरना नहीं चाहिए। पुलिस में मैं स्पोर्ट्स बेस पे आई थी। अच्छा। ठीक है, और मैंने ये नुमाइंदगी भी की और फिर मैंने यूनाइटेड नेशन के 7 मिशंस में जाके मैंने वहाँ पे पीस कीपिंग अवार्ड जो उन्होंने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया था कि विमेंस को हम लोग अवार्ड दें तो ताकि उनके अंदर जज्बा पैदा हो। लेकिन उसमें ये हुआ कि 12 मिशंस में से खवातीन को नॉमिनेट किया गया और उनकी अचीवमेंट की गई और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मेरी अचीवमेंट सबसे अप थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इनाम मिला। मुझे अवार्ड नहीं, ये पाकिस्तान को, क्योंकि मैंने प्रूफ किया कि हमारी औरत हर मैदान में कामयाब है और हर काम और मर्दों से भी आगे है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह उन्होंने 7 बार जो है नुमाइंदगी की है, एक बार भी नहीं की, और पूरे पाकिस्तान का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन किया। पाकिस्तान में तो उन्होंने अपना नाम रोशन किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम एक औरत पूरी दुनिया में रोशन करे और वो भी पहली खातून है और स्पोर्ट्स खेलती है। अच्छा मैडम, आते हैं आपके प्रोफेशनल की तरफ। पहली बार जब गन पकड़ी और चलाई तो डर नहीं लगा? नहीं, वो इसलिए कि बचपन में ही मेरे वालद साहब हमारे घर में थी, वो 32 बोर वो जो बैरल वाली होती है ना गन थी। अच्छा। अबू फ्लाइंग शूटर भी थे। अच्छा। तो मैंने उनसे सीखा था। अच्छा, पहले सीख लिया हुआ था तो आई वॉज फ्लाइंग शूटर और मैं चलते जो बर्ड होते थे उनको शूट करके नीचे तीतरों को मारा हुआ है, आई स्टिल रिमेम्बर। अच्छा। और मैं मुर्गाबी का शिकार भी बहुत करती रही हूँ। अच्छा, शिकारी। मैंने हर वो काम जो मर्द करता है मैंने अपने आप में वो कभी ये फील नहीं किया कि मैं नहीं कर सकती, मुझे वो काम दे दे। मैं कहती होती हूँ कि जहाँ पे आपका एंड होना तो मुझे दे दे, मैं वो काम करके दिखाऊँ। करियर की बात करते हैं, आपने कहा कि मुझे मेरे फादर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। अमूमन शादी के बाद जो है आपकी फैमिली की तरफ आते हैं, शादी के बाद किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और थ्रू आउट मोटिवेशन कौन रहा? नहीं, थ्रू आउट देखें पहले तो बाप ही है ना। हाँ। उसके बाद आप जब शादी होती है हस्बैंड होते हैं, ठीक है, फिर हस्बैंड के बाद आपकी औलाद होती है। मेरा बेटा भी मेरा बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल था। मेरे अच्छा। मैं जब अवार्ड लेने जाना था न्यूयॉर्क में तो मेरी स्पीच की जो तैयारी करवा रही थी वो ऑस्ट्रेलियन खवातीन थी। अच्छा। अब मैं घर जाती थी तो मेरा बेटा मेरे साथ ही होता था, वहाँ पे मैंने मिशन में रखा था, कहता था मामा आप इसकी रिवीजन करें आप, एंड ही वाज बड़ा छोटा था तो मैं सुनूंगा कहीं गलती ना हो जाए। हस्बैंड का अपना एक मकाम है, ऑब्वियसली वो एक उनका हमें प्रोटेक्शन देना, उनका शेल्टर देना, लेकिन जब आपकी औलाद आपके साथ चलती है ना तो वो आपके लिए और ज्यादा खुशी का बायस बनती है। मतलब बेटे के ख्याल किस तरह रखा फिर आपने? नहीं नहीं बिल्कुल, जब छोटा था तो उसको मैंने साथ नहीं रखा। अच्छा। लेकिन जब मैं नेक्स्ट मिशन में गई तैमूर लिस्टे तो फिर मैंने अपने बेटे के लिए स्पेशल परमिशन ली, बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस वहाँ पे इतनी अच्छी थी। मैंने वहाँ पे फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया। अच्छा। वो वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा था। मैं वहाँ पे पहले तो टीम लीडर रही, VPU वनर पर्सन यूनिट की। अच्छा। इट मीन VPU वनर पर्सन यूनिट की मैं पहले टीम लीडर रही, फिर मैंने वहाँ पे खवातीन को हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की, हमने शेल्टर दिया, मेडिकल असिस्टेंस दी, हमने चाइल्ड अब्यूज़ को बहुत ज़्यादा वहाँ पे वो रोका। तो वो ये चीज़ें थी जो कि काम आपका चम नहीं काम आता है काम, ठीक है,
तो आई प्रूफ माई सेल्फ कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। अच्छा। वहाँ पे ख़वातीन आती थी तो हमारे जब मेरे जाने से पहले वो एक जैसे पुलिस वालों का होता है वो लगाई होती है हथकड़ी लगी होती है वो बंदा जाता है तो खौफ ज़्यादा हो जाता है। हमने उसको टोटली चेंज किया उस कॉन्सेप्ट को। अच्छा। औरतों के लिए हमने बहुत प्यारा सा रूम बनाया उसमें पेंटिंग बच्चों की और वो जब आती थी तो हमें वो फील करती थी हम सेफ हैंड में चले गए ना कि हम पुलिस की कस्टडी में आए हैं तो वो हमारे पास आके बहुत इजी महसूस करते तो वो चीजें जो उसको हमने नाम दिया था फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन रूम। अच्छा। ताकि वो दीवारों को भी देखें तो वो फील करें कि सच बताएं और उनको तो फिर मैंने अपने बेटे को साथ रखा और वो माशाल्लाह मेरे साथ रहा और पढ़ता भी रहा वहाँ पे। अच्छा मैडम आपसे पूछते हैं आपके करियर के बारे में गोली भी चला ली और आपने क्या वो कौन सा होती है फ्लाइंग शूटर है। अच्छा कौन सा आपकी करियर में कोई ऐसा केस जो कि बहुत टफ लगा हो आपको और आपने वो सॉल्व किया हो कोई ऐसा केस के बारे में बताइए। जी बिल्कुल मैं जब PHP में थी तो मुझे एक बड़ा डिफ़िकल्ट किस्म का वो केस दिया गया जिसमें कोई रिकवरी करवाई थी मैंने 16 लाख की 16 लाख की। हाँ 16 लाख की और अच्छा। उसमें फिर वो हमें मुश्किलात भी आई। अच्छा। मुश्किलात के साथ ये कि उस बंदे ने हमारे पे इतने जादू शादू भी किए मेरे ऑफिस भी होता है मेरे ऑफिस में उसने गंदे अंडे लाके फेंके लेकिन वी सफर उसमें मेरे साथ मुंतजर मेहंदी साहब थे SSP साहब दिस इज ट्रू स्टोरी तो वो बस हमें थोड़ा हार्ड टाइम हुआ लेकिन ये कि मैं अल्लाह का शुक्र है कि साबित कदम रही और मैंने आज तक बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैरिड पे काम किया है मेरे जिम्मे कोई आप काम लगा दें मुझे नींद नहीं आती। उसके बाद मेरी प्रमोशन भी अफेक्ट हुई बिल्कुल गलत उस पर गलत इंफॉर्मेशन पे गलत उस पर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर भी अल्लाह ने हिम्मत दी है मैं फेस कर सकती हूँ। अब हम मैडम के साथ जाएंगे FM 101 की बर्थडे सेलिब्रेशंस पर और उनसे गोल्फ खेलना भी सीखेंगे। खरिया खरिया सुना जी जनाब अब हम स्काई व्यू गोल्फ क्लब आ गए हैं मैडम के साथ और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैडम हमें गोल्फ भी खेलना सिखाएंगी और अब मैडम से पूछते हैं मैडम आप जो है स्पॉट बेस पे आई पंजाब पुलिस में कितने ममालिक में आपने जो है अवार्ड्स जीते आपकी अचीवमेंट्स की बात करते हैं ख़ासतौर पर वो अचीवमेंट्स जो आपने गोल्फ को लेके की और अपने कैरियर में स्पोर्ट्स कैरियर में आगे गई तो आप मुझे बताइए कि कितने ममालिक में आप गई कहाँ कहाँ पर आपने पंजाब पुलिस का नाम रोशन किया बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं वो भी गोल्फ खेल सकती है। हाँ जी मैं पाकिस्तान की 2 दफ़ा नेशनल चैम्पियन हूँ। अच्छा मैंने कराची में मैं फर्स्ट टाइम नेशनल चैम्पियन बनी सेकेंडली मैं जिमखाना में। अच्छा और उसके बाद मैंने पाकिस्तान के 4 गोल्ड मेडल जीते हैं उनमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि रियल गोल्ड मेडल था 2.5 तोले का है मेरे पास अभी भी है। अच्छा पाकिस्तान की नुमाइंदगी मैंने श्रीलंका में की है इंडोनेशिया में। अच्छा मैं अभी इन स्कॉटलैंड अच्छा आई प्लेड ओवर देयर एज वेल और फिर उसके बाद मैंने इंडिया में भी मैं अभी जब वापस आई तो मैं इंडिया में भी आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की नुमाइंदगी की। मैडम गोल्फ तो आपने हमें सिखा दी और थोड़ा बहुत हमें भी थोड़ा शॉट मारना आ गया। अच्छा अब मैं बढ़ती हूँ पंजाब से सिटी अथॉरिटी की जानिब
पॉलिसिंग को जदीद करने में, टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाने में, इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन को टेक्नोलॉजी में तब्दील करने में, और नित नए इजादात से और लेटेस्ट 4G LTE टेक्नोलॉजी से जो है हम जो है पुलिस का कल्चर बदल रहे हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? यार ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारी गवर्नमेंट ने लिया, और ये एक नॉट ओनली पाकिस्तान, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसमें ये है कि पहले पाकिस्तान में हम लोग बड़े खुशी महसूस करते थे कि हम इशारा तोड़ के जा रहे हैं। अब जो वार्डन खड़ा होता है उसका उनको इतना डर नहीं होता जितना कैमरे का होता है। तो कैमरा इज़ वंडरफुल थिंग्स फॉर कंट्रोल क्राइम एंड वायलेंस और सारा, उससे बड़ी देखें अभी लोगों के घरों में ई चलानिंग भी गई है और मेरे पास भी लोग आए हैं, लेकिन आई एम हेल्पलेस फॉर दैट, क्योंकि ये तो एक उनकी गलतियां हैं जो वो उनको एहसास होना चाहिए। हम भी जाते हैं, बताते हैं, एजुकेट करते हैं, लेकिन अभी डर नहीं था। सेफ सिटी जिंदाबाद एंड आई रियली हैप्पी, क्योंकि इन्होंने लोगों के अंदर एक कानून की पासदारी या कानून की पाबंदी करने का एक जज्बा पैदा किया, और ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छी चीज़ है हमारे आवाम के लिए, हमारी आवाम के, ताकि ये पाकिस्तान से जब बाहर जाते थे तो ये वही कानून वहाँ जाके, तो ये सड़क पे गाड़ी उनके कानून के मुताबिक डरते हुए चलाते थे, तो कहीं चलान ना हो जाए। तो अब जब पाकिस्तान में आए तो उनको एहसास हुआ कि नहीं, हम वहाँ पे भी वैसे रहे और यहाँ पे भी वैसे रहे। अच्छा मैडम, यहाँ पे तो बहुत दबंग है, अपने प्रोफेशन में भी बहुत दबंग है, स्पोर्ट्स में भी बड़ी दबंग है, और जहाँ पे भी जाती है मेडल ये बगैर तो आप कभी नहीं आई, घर में ज़रा बताइएगा कि घर में भी दबंग? आप कह सकते हो कि घर में मैं दबंग हूँ, लेकिन वो चूंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो हर चीज़ आसानी से सॉल्व हो जाती है। वहाँ पे एक मेल डोमिनेट सोसाइटी में हामद पे दबंग मुश्किल मुश्किल है, लेकिन ये कि वी हैव अ गुड कोऑपरेशन, गुड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से बड़ा केमिस्ट्री मैच है, गुड केमिस्ट्री मैच है। अच्छा खाने में कभी मतलब ऐसे मुझे लगता है कि जो प्रोफेशनली बड़ी आगे दबंग चल जाती है ना, वो खाना नहीं बनाती, तो ये क्या मेरी एक सोच ठीक है या नहीं? बिल्कुल गलत है। अच्छा हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छा क्या बना लेती हैं सबसे अच्छा? मैं मुझे कुछ भी दे दें आप, अच्छा वही बात जहाँ पे आपका एंड मुझे वहाँ से स्टार्ट करवा दें। और ये मेरे ये जो टेस्ट है इज डेवलप बाय योर मदर्स, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती। अच्छा तो फिर आपने उनसे मैंने सीखा, और अम्मी माशाल्लाह इतना अच्छा, अभी भी मेरे लिए वो ब्लेसिंग है कि जब भी कोई मसले मसाइल होते हैं, मुझे कहीं जाना पड़ जाता है, अम्मी ऑलवेज कीप माय सन विद यू, और उनका उसका ख्याल रखना, मतलब शुरू से आपके साथ साथ वो रही हैं, मैंने छोड़ा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं। हाँ मैं वो कहते हैं ना कि माँ का बेटी का घर में, मैं अम्मी को हमेशा अपने साथ रखती हूँ, और वो मेरे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है। और मेरी इवन के सासू माँ भी, शी इज़ सो नाइस, एंड आई हैव अ फादर इन लॉ, ही इज़ सो काइंड, बहुत ही केयरिंग एंड बहुत ही अच्छे इंसान। मैडम आपकी ख्वातीन तो बहुत फ़ैन होंगी, और जहाँ पे भी जाती होंगी लोग तो बड़े इंस्पायर हो जाते होंगे जिस तरह मैं हुई हूँ, तो आपको कोई नंबर याद है कि मैंने इतनी ख्वातीन जो कि मुझसे मिली और इंस्पायर हो गई मुझे देख के? एक्चुअली डिपार्टमेंट में मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था, मैं पहले स्पेशल ब्रांच सिक्योरिटी और फिर PHP और ट्रैफिक में, बट जो हमारी ख्वातीन मोस्टली कुर्बान लाइन किला गुजर सिंह लाइन में ख्वातीन। अच्छा अच्छा। मैं कभी कभार उनसे मिलूँ तो वो यही कहते हैं, मैडम हमने आपकी फ़लाँ तस्वीर देखी, फ़लाँ इंटरव्यू देखा, तो हमें बहुत अच्छा लगता था पुलिस में आना, तो आई फील आपसे मुतासिर होके फिर वो थैंक्स अल्लाह के, अल्लाह भैया मुझे देख के कुछ लोगों के अंदर, तो आना चाहिए किसी भी फील्ड में, औरत को घर में नहीं बैठना चाहिए। आप देखें पेरेंट्स इतनी एजुकेशन देते हैं नॉट फॉर दिस पर्पस के अभी आपकी शादी हो गई, बच्चे पैदा करो, उनका अच्छा वो करो, आप उनको आगे ग्रो करें, प्रोफेशनली ग्रो करें। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना ज़्यादा वक्त दिया, और आपने हमें सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस सिखाया, और उसके बाद आपने हमें क्या सिखाया, आपने 101 के बर्थडे पे हमें लेके गई, और उसके बाद आपने हमें गोल्फ सिखाई, और मैडम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी खातिर तवाज़ा की और हमें भी बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच जी। जनाब आपने देखा हमारे साथ थी DSP M&I मैडम शहजादी गुलफान साहब, जो कि एक जीती जागती मोटिवेशन है आप सबके लिए, वो लड़कियां जो कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं और कुछ करना चाहती हैं, उन सबको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, लेग पुलिंग होगी आपकी, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी, और आपकी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, लेकिन इन सबको बर्दाश्त करके जो आगे निकलती है वो अपना मुकाम बना ही लेती है और कुछ ना कुछ पा ही लेती है। इसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।